हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लखनऊ रुचि ब्यूटी चैनल। अगर आप ब्यूटीफुल दिखना चाहते हो, सुंदर दिखना चाहते हो, अच्छा दिखना चाहते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है आपकी स्माइल, और स्माइल के साथ साथ आपके टीथ। अगर आपके टीथ सुंदर हैं, मोतियों जैसे हैं और चमकते हैं, तो आपकी स्माइल बहुत सुंदर लगती है और आप भी बहुत सुंदर लगते हो। अगर आपके टीथ येलो हैं, ब्लैक है, या आपके टीथ से दांतों से खून आता है, परेशान हो जाते हो, तो ये बहुत ही एक ख़राब लगता है, और खून आते आते आपके दांत कमज़ोर भी हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आ गई हूँ और आपको एक ऐसा हैक बताऊँगी जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा चुटकी में। हैक बहुत ही इजी है। अगर आप वीक में दो बार इसको अपनाते हो, सिर्फ वीक में दो बार आपको यूज़ करना है, सोचिए आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। ये मैं आज से नहीं, कई सालों से कर रही हूँ। जब मुझे अपने दांतों में येलोपना लगता है तो मैं इसको यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो आप भी एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको बता देते हैं कि वो चीज़ है क्या, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये है चारकोल पाउडर, आपको मैं कैमरे में दिखाती हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो ये है चारकोल पाउडर, मैंने घर में चारकोल पाउडर बनाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे घर में कैसे चारकोल पाउडर बनाए, उसमें जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। मैंने ये घर वाला चारकोल पाउडर एक चम्मच लिया है, आप बाहर से भी ले सकते हो। तो ये देखिए, एक चम्मच बड़ी लिया है चारकोल पाउडर। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना पेस्ट, कोई भी जो पेस्ट आप यूज़ करते हो वही चाहिए। तो इसमें मैं डालूँगी पेस्ट। अब लेना है हमें इनो। तो अगर आप किसी एयरटाइट डिब्बे में रखेंगे तो ये पैकेट आपका कई दिनों तक चल सकता है। जब आपको पेस्ट बनाना हो तभी आप यूज़ कीजिए। तो इसमें हमें केवल दो चुटकी इनो डालना है, ये आप देखो, इसमें सिर्फ दो, आप देख सकते हो इसमें इनो मैंने दो ही चुटकी डाला है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ये एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। ये देखिए, बस पेस्ट बन गया है आपका तैयार। और हमें लेना है ब्रश। अब ब्रश में हम इसको इस तरह से, जैसे हम करते हैं, तो आप कैमरे में देख सकते हो कि मैंने उस पेस्ट को पूरी अच्छी तरह से अपने ब्रश में लगा लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ब्रश करके। ब्रश कर लिया है, आप देख सकते हो उसका इफेक्ट मेरे टीथों पे क्या पड़ा है। सोच रहे हो कि मैजिक हो जाएगा, आपने अभी ब्रश किया और अभी आपके टीथ साफ हो गए, एकदम वाइट हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये धीरे धीरे काम करता है और आपको वीक में केवल दो बार या एक बार ही इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आप जैसे नॉर्मल ब्रश करते हो वैसे ही करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपको जो मैंने घर में चारकोल बताया है, तो हो सकता है उसकी वजह से आपकी टंग मेरी तरह येलो हो जाए, क्योंकि ये होममेड चारकोल है। अगर आप कुछ खाते हो तो वो सही हो जाता है, इससे कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप घर में चारकोल पाउडर नहीं बना सकते हो तो आप बाहर से भी चारकोल पाउडर ले सकते हो, जो ब्रश के लिए इस्तेमाल होता है उस चारकोल पाउडर को आप यूज़ कर सकते हो। केवल जो खाने जो ब्रश करने वाला होता है केवल वही चारकोल पाउडर लीजिएगा, और कोई मत लीजिएगा। जो है हमारा बहुत ही पुराना, सदियों से चीज़ आई चली जा रही है, दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोयला। जब ब्रश पेस्ट नहीं चलते थे तब भी लोग कोयले को पीस के उसमें हल्दी और नमक डाल के अपने दांतों को साफ करते थे।
इतनी पुरानी चीज़ है जो सदियों से चली आ रही है, जो हमारे हर चीज़ में और आज के नए दौर में भी चारकोल की हर चीज़ मिलने लगी है। चारकोल पैक मिलने लगा है, चारकोल पाउडर मिलने लगा है, चारकोल फेस मास्क मिलने लगा, हर तरह की चीज़ आने लगी है। तो सोचिए इतनी पुरानी चीज़ आज भी काम आ रही है। जो इनो है उसमें साइट्रिक एसिड होता है, जो नींबू होता है वो आपके दांतों को साफ़ करता है, उस तो इसलिए अगर आप इनो नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल लो, तब भी आपके दांत साफ़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय।